आनंद, राहुल गांधी पर एक और जहां विपक्षियों में सियासी घमासान छिड़ा है, वहीं इस पर सीएम नीतीश कुमार एक अलग दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि कोर्ट के मामले में ना कभी बोले हैं और ना कभी बोलेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोई मामला होता है तो कोर्ट में जाने का अधिकार सबको है। वहीं इस पर अब बीजेपी ने भी साथ दे दिया है। भागलपुर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर जहां बड़ा हमला बोला, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नरम दिखे। राहुल गांधी मामले में उनके बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनका साथ नहीं देना चाहते क्योंकि उनको न्यायपालिका में भरोसा है। वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्हें संवैधानिक मर्यादा पता है। आज जो बड़ा महत्वपूर्ण है राहुल गांधी जी के ऊपर, क्या जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी जी के पक्ष में बयान दिया है, और जिस तरह से लंदन में जाकर इन्होंने कहा था कि यूरोप और अमेरिका को हमारे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, आज उसका जो असली चेहरा है वो जर्मनी के स्टेटमेंट से सामने आ गया है। राहुल गांधी जी को जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरने की आवश्यकता है। नीतीश जी ठीक है कि वो आरजेडी के साथ चले गए और उन्होंने गलत काम किया। नीतीश जी हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं। हमारे और नीतीश जी के संबंध मुझे लगता है कि लगभग 30-32 साल पुराने हैं। एक चीज जो वो अच्छी बातें कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने आज जो कहा है वो यही बात मैंने आपको कहा कि विदेशी शक्तियां हमारी न्यायपालिका के ऊपर जो है प्रहार कर रही हैं और ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए परेशानी वाली बात। तो देखिए, इसे लेकर लगातार आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हो रही है और इसे लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार जी क्या नहीं बोलते हैं इस पे व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रधानमंत्री जी के चुप्पी पे क्यों नहीं बोलते हैं? अडानी महाघोटाले पे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? उस पे जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब अगर सदन में नहीं दे पाते तो सड़क पर भी तो एक बार दे दे, भाजपा के मंच पर भी तो दे दे कि अडानी से उनके रिश्ते क्या हैं। हम लोगों ने हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है, कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी जी के मामले में केंद्र की सरकार का रवैया संदेहास्पद है। इतनी त्वरित कार्रवाई आखिर क्यों, चाहे वो सदस्यता समाप्त करने को लेकर हो या बंगला खाली करने का नोटिस लेकर हो, लेकिन जब इनके अपनों का मसला आता है तब ये लोग शिथिल पड़ जाते हैं। उन्नाव रेप केस जिनमें इनके विधायक कुलदीप सेनगर कन्विक्टेड थे 2019 के दिसंबर में, लेकिन सदस्यता समाप्त होती है 2020 के फरवरी में, लगभग 2.5 महीने के बाद। तो आखिर अपनों पर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों? अब भाजपा के एमपी हैं, नीतीश कुमार जी के बयान की व्याख्या कर रहे हैं, अलग पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका मसला है, इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी की सदस्यता हटा देना कोई मामूली बात नहीं है। पूरा देश जानती है कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज है, ईडी हो, सीबीआई हो, सब बीजेपी के अंडर पे है। बीजेपी के इशारों पे ये काम करती है, बीजेपी के इशारों पे ये बोलती है। बीजेपी की सत्ता क्या गई बिहार में कि नीतीश कुमार जी का तलवा चाटने लगे। बीजेपी की तो थूथू हो गई है पूरे देश ही में नहीं, पूरे दुनिया में। अब बीजेपी सपोर्ट चाह रही है, चाह रही है एक आध नेता का उन्हें सपोर्ट मिल जाए, लेकिन ये भ्रम में वो न रहे, वो तलवा चाटते रह जाएंगे नीतीश कुमार जी का। जितने भी विपक्ष है एकजुट है, हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि नीतीश कुमार जी ने भी सारे दरवाजे फिलहाल बंद नहीं किए हैं। अंदर खाने अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि राजनीति में कभी कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कभी स्थायी कोई दोस्त नहीं होता। तो जो बयान आ रहे हैं और जिस तर्ज पर बयान दिए जा रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन, इसी की पॉलिटिक्स बिहार में चल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें।